तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था कि सैमसंग A52s में एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस किए गए थे मैंने आपको उसमें बताया था। जैसा कि उसमें कुछ नए चेंजेस नहीं किए गए थे, सिंपली बग्स फिक्स और कुछ एनहांस फीचर उसमें डाले गए थे। आज की वीडियो में आपको उस अपडेट का रिव्यू करके बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में उस अपडेट के बाद क्या फ़र्क लगा, क्या बग लगे और क्या क्या इंप्रूवमेंट लगा, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि हमने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ नए अपडेट के नए इसके रिव्यू के बारे में सैमसंग A52s के। तो उसके लिए सबसे मैं आपको ले जा रहा हूँ सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे, एंड देन वहाँ पर अगर आप देखेंगे लास्ट अपडेट को, मैंने लास्ट अपडेट कर लिया था 18 मई को, मैंने ये अपडेट कर लिया था। आप देख सकते हैं लगभग 6:30 बजे नया अपडेट आया था और मैंने उसी टाइम उसको अपडेट कर लिया था। यहाँ पर आप देखेंगे क्या किया गया था, स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया गया था और डिवाइस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया था। साथ में सिक्योरिटी को भी अप्रूव किया गया था और साथ में हर बार इनहांस कुछ ना कुछ फीचर जोड़े जाते हैं जैसा कि इसमें बोला जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इस अपडेट के बाद क्या फ़र्क लगा। सबसे बड़ी बात, पहले बात करें इसके चलने की, तो चलने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फटाफट यहाँ पर सारी ऐप्स खुल रही हैं, कोई भी उसमें लैगिंग का इशू नहीं आ रहा है, कोई उसमें कोई इशू नहीं आ रहा, फटाफट सब यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। अगर आपने खोल भी लिया है तो आप यहाँ पर, आप इसको रिसेंटली खोल के आप यहाँ देखेंगे तो सब यहाँ पर बड़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अगर आप सेटिंग्स में जाके भी इसको ऊपर नीचे करके देखें तो यहाँ पर भी कोई लैगिंग नहीं आ रही है, सब यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो आपको यहाँ पर भी कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब यहाँ पर बहुत अच्छे से आप चल रहा है। आप देख सकते हैं किसी चीज़ की यहाँ पर लैगिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ना हैंगिंग की प्रॉब्लम आ रही है। अब नेक्स्ट बात करें बग की, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा बग था पहले ब्लूटूथ का, कि ब्लूटूथ ऑन करने में प्रॉब्लम हो रही थी और बार बार ऑन या ऑफ हो रहा था। बट अभी ये मैं चला के देख रहा हूँ, मैंने ऑन कर लिया, ऑफ कर रहा हूँ तो भी इजीली ऑफ हो गया है, फिर ऑन कर रहा हूँ तो भी इजीली ऑन हो गया है और ऑफ हो गया। मतलब कि ब्लूटूथ की जो बग वाली प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर रिजॉल्व कर दी गई है, उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स आउट कर दिया गया है इस अपडेट के बाद। उसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट उसकी चीज़ की, क्या नेक्स्ट बग थी। जैसा कि बता होगा दोस्तों आपको, उस वाले प्रीवियस वाले अपडेट में बैटरी ड्रेन का मेरे हिसाब से इशू था, बट इस वाले अपडेट के बाद बैटरी ड्रेन का इशू मेरे हिसाब से कम हो गया या नॉर्मल हो गया, क्योंकि मैंने इसको 18 तारीख को अपडेट कराया, लगभग मुझे दो दिन हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, और मैंने उसको पूरा कंटिन्यू चला के देखा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर विथ प्रूफ बताऊँगा, तो मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन पर। बैटरी में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर यूजिंग सिंस साल्ट, मतलब कि मैंने 14 घंटे हो गए हैं मेरे मोबाइल को फाइनली पूरा रनिंग करे हुए और 14% अभी भी बैटरी बाकी है। पूरी तरह से एक दिन पूरा मोबाइल मेरा यहाँ पर वर्किंग कर रहा है। और अगर लास्ट 7 डेज में देखें तो यहाँ पर आप देखें 21 मई को मैंने 2 घंटे मैंने मोबाइल यूज़ करा है, 2 घंटे मैंने मोबाइल यूज़ करा है और 2 घंटे स्विच ऑफ भी था। ऐसे ही 20 तारीख में आए तो यहाँ पर आप देखेंगे 1:52 मैंने मोबाइल को यूज़ करा था, स्क्रीन ऑफ टाइम 19 आवर्स, मतलब मोबाइल ऑफ उसमें था स्टैंड में। और 19 में देखें आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 मई को मैंने लगभग 3 घंटे मोबाइल को ऑन करा और 18 घंटे मेरा मोबाइल था, लगभग पूरा मेरा 22-23 घंटे की परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं ज़्यादा 2 या 3 घंटे यूज़ करता हूँ और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बार चार्ज करने के बाद वो कंटिन्यू चल रहा है। तो बैटरी परफॉर्मेंस यहाँ पर इम्प्रूव मुझे लग रही है, हो सकता है आपके साथ नहीं लगे, बट मेरे मोबाइल की बैटरी मुझे इम्प्रूव लगी इस अपडेट होने के बाद। साथ में थोड़ी सी मुझे एक चीज़ लग रही है कि बैटरी चार्ज होने की स्पीड शायद थोड़ी स्लो हो गई है, क्योंकि जब मैं चार्ज पर लगाता हूँ पहले मुझे 2 या 2.5 घंटे में होता था, बट अब मुझे 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं फुल चार्ज होने में। वो चीज़ मुझे एक इशू लगा, बाकी और भी कोई इशू नहीं है। अगर आप इसकी चलने की स्पीड देखें तो स्पीड में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लैगिंग नहीं है। ओवरऑल ये अपडेट बहुत अच्छा है, आपको इसको करना चाहिए। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आप लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।